तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस बना दिया व्लॉग चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक हेयर ड्रायर पे बनेगा। सो दोस्तों, ये एक हेयर ड्रायर है डेलिया का, आप देख सकते हो अच्छे से। तो दोस्तों, इसके साथ में जो हमें मिलता है वो एक ये मिलता है, ये एक ब्रश होता है जो अपने इस हेयर ड्रायर के यहाँ पर लगता है और हम इसको बिना कंघे की मदद से ऐसे कॉम भी कर सकते हैं, हेयर को स्टाइल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथ में ये एक हेयर स्टाइलिंग का कंघा मैंने अलग से एक परचेज़ किया था जो कि बहुत हेल्प करता है। इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं और इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी मिलता है। सो दोस्तों, अभी मैं आपको और भी दिखाऊँ, अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये भी एक इसके साथ में मिलता है, आपको पता ही होगा ये क्या चीज़ है। तो अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ कैसे करते हैं और कैसे इससे हम अपना हेयर स्टाइल करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बालों को जो है गीला करना पड़ेगा। सो आइए, तो दोस्तों अभी मैं अपने बालों को गीला करता हूँ, तो देखिए। तो दोस्तों यार, बालों को हमने अच्छे से गीला कर लिया है, अब हम हेयर ड्रायर से क्या करेंगे, हम इसको हेयर ड्रायर से ड्राई नहीं करेंगे बालों को, हम पहले टारवल से यानी कि तौलिए से अच्छे से ड्राई करेंगे, फिर हम लगाएंगे हेयर ड्रायर। तो दोस्तों, ये दरवाज़ा मैं बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं टावल से जो है अपना हेयर को ड्राई कर लेता हूँ अच्छे से, तो आपको भी दिखाता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों, अभी मैं टॉवल से इसे अच्छे से ड्राई कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बालों को बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसे जो है टॉवल से ड्राई करते हैं, लेकिन उनको ये गलती है, ये करना नहीं चाहिए, वरना आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो ऐसे हम नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता साफ मतलब ड्राई करेंगे, और ये हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे हम इसका प्लग लगाएंगे, और आपको फिर मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अभी इसको हम यूज़ करते हैं, तो स्टार्ट करता हूँ। और हाँ दोस्तों, इसका शोर ज़्यादा होगा, इसलिए प्लीज़ अवॉइड करना शोर को, जो भी शोर आ रहा है बैकग्राउंड वॉइस या जो भी हो, प्लीज़ अवॉइड करना। तो ये स्टार्ट हो चुका है, अब मैं आपको आराम से बना करके भी दिखाता हूँ। तो इसको ऐसे करना है सबसे पहले मैं, फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करो। तो मैं सामने शीशा लगा हुआ है, तो मैं इसको देख करके बना रहा हूँ, देखो गाइस। तो मैं खड़ा हो जाता हूँ कुछ देर के लिए। तो इसको ऐसे हम करते हैं गाइस, देखो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपका बाल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है इसको गाइस। इसमें दो तीन मोड्स होते हैं, तो दो तीन मोड्स मतलब कि आपको एक हीट मतलब गर्म हवा का मोड मिलता है, दूसरा ठंडी हवा का। तो आप सबसे पहले गर्म हवा लगाओ, हीट लगाओ, फिर उसके बाद आप कोल्ड एयर लगा सकते हो। और दूसरा, इसमें स्पीड के भी दो मतलब एक मोड मिलता है, पहला तो ये है कि आप स्लो स्पीड में चलाओ, दूसरा स्पीड में। और स्पीड में आपको ज़्यादा जो है सेफ्टी रखना पड़ेगा, क्योंकि हेयर ड्रायर का जो हीट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका डैमेज हेयर भी हो सकता है, आपका हेयर भी डैमेज आसानी से हो जा सकता है।
लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली अच्छे से यूज़ करोगे, अगर आपको इसको यूज़ करना आता है, तब ये आपके हेयर को डैमेज कभी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे हेयर में वॉल्यूम आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी मैं इसमें जो है एक चीज़ और यूज़ करूँगा, जो कि ये वाला है जो मैंने आपको कहा था, जो कि एक कंघा भी है और एक हेयर को वॉल्यूम भी अच्छे से देगा। तो इसको मैं आराम से लगाता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ में मैं ये वाला कंघा भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मतलब ज़्यादा हार्ड हो जाता है इसे यूज़ करना, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ ऐसे। देखो गाइस कितना अच्छे से जो है हमारा हेयर जो है बन रहा है। तो दोस्तों यार एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो हमको, मुझको, इस चैनल को। तो गाइज अब एक बार इसको हम निकाल करके, अरे यार बहुत गर्म हो गया ये, इसको मैं ओके अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये वाला मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। आप चाहो आप किसी भी में भी यूज़ करते हो कर सकते हो, आप चाहे चाहो तो इस वाले में यूज़ कर सकते हो, चाहो तो इस वाले में, या फिर आप चाहो तो दोनों को यूज़ ना करके नॉर्मल ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अगर मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये वाला यूज़ करो। और तो दोस्तों मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, मेरे जो मोबाइल का स्टोरेज है वो जो है ख़त्म हो गया था, फुल हो गया था मतलब, तो उसको मैं मतलब फिर से मेरे को ये स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मतलब आधा वीडियो हो बन गया है, अभी मैं दोबारा से अब वीडियो को एंड करने के लिए ये बना रहा हूँ। तो दोस्तों यार मैं अच्छे से अपने बाल को सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ, ओके। तो यार दोस्तों अब मैं थोड़ी लाइट में आता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे हेयर जो है बहुत सेट हो गए हैं, और देख सकते हो काफ़ी वॉल्यूम आ गया है। मैं इसको इधर उधर हिलाऊँगा भी तो ये ख़राब नहीं होंगे। और दोस्तों ये बाकी मैंने जो है मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, इसलिए अच्छे से मैं सेट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो मेरे को लुक चाहिए बिल्कुल वैसा ही मिला है। तो दोस्तों आगे मैं आपको दिखाऊँ, ये एक व्लॉगिंग चैनल है तो मैं ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करूँगा। तो और देखो गाइस ये मेरा बेड है, ये डबल बेड है, इस यहाँ से ऊपर मैं चढ़ के ऊपर ही सोता हूँ, नीचे कोई और सोता है। तो ये एक और बेड है यहाँ पे देख सकते हो, बाकी देखो ये जो है खिड़की है, ये जो खिड़की मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये हमेशा ओपन ही रहती है, और रात को सोने टाइम जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे व्यू देखो। तो दोस्तों और मैं अगर आपको कोई चीज़ दिखाऊँ, मैंने आपको बताया था सामने शीशा लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है जो भी है, तो ये देख सकते हो मैं एक मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और कैमरा मैं लूँगा कुछ मतलब बहुत। तो एक बार फिर से सॉरी, मेरा जो स्टोरेज है बार बार ख़त्म हो जा रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि जहाँ पे हमने अपने बाल को गीला किया था
वो यहाँ पे किया था। तो ये जो है हमारा मतलब टॉयलेट है, बाथरूम है, जो भी आप बोलना चाहो। और ये यहाँ पे शीशा है, ये शावर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो। यहाँ पे मैं टॉवल लटकाता हूँ, इसको ऐसे बंद कर लेता हूँ। और ये जो है खोलूंगा तो ये पानी होगा, सारा पानी गिरेगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा इस दरवाजे को खोल करके। तो ये मैं देखो खोला, और ये देखो गाइस, देखा आपने, शायद देखा ही होगा। अगर कैप्चर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ये देख सकते हो यहाँ पे, और भी आप देख सकते हो। दरवाजे को यहाँ से बंद कर लेता हूँ, और देखो ये खुलता है यहाँ से, देखो। और देख सकते हो बाकी यहाँ पे हम ब्रश वगैरह लगते हैं। ये मेरा वो मतलब फेस वॉश है, ये वो है, जो भी आप बोलना चाहो। तो दोस्तों बाकी ये भी आप देख सकते हो, ये वेल एक, और ये देख गिटार है, आपको पता चल गया ही होगा देखते साथ में ही। तो दोस्तों वेल ये मेरा गिटार नहीं है, मेरे दोस्त का गिटार है। मैंने अपना गिटार ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अब तक आया नहीं है, तो 3-4 दिन के बाद वो आ जाएगा। तो दोस्तों प्राइस की बात कर लेते हैं कि मैंने हेयर ड्रायर कितने में परचेज़ किया। तो मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 100 to 200 का मैंने लिया है। सो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लाने वाला हूँ, मैं मेरे अपने गिटार का अनबॉक्सिंग होगा वो। सो दोस्तों देखते हैं कि गिटार कैसा होगा। फिर मैं अगर आपको ये परचेज़ करना है, हेयर ड्रायर अगर आपको परचेज़ करना है ये वाला, तो इसका लिंक भी मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, और मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, फेसबुक का डाल दूंगा। तो आप आके मेरे को फॉलो कर सकते हो और इसे परचेज़ कर सकते हो। सो दोस्तों मेरा स्टोरेज बहुत ही मतलब फुल हो रहा है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो दोस्तों गुड बाय।